हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने कूलिंग कॉयल है। यहाँ पे क्या है, कूलिंग कॉयल पे बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पे क्या रीज़न होते हैं और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे क्या है, एसी जो होती है इसके ऊपर क्या है, पतले वाले जो पाइप होते हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आइस आना स्टार्ट हो जाती है। वो कब होता है, जैसे कि आपने एसी जो है स्टार्टिंग में मतलब ऑन किया, जब आपका सीजन है स्टार्ट हुआ उस समय आप एसी को ऑन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे जो गैस होती है गैस का सर्कुलेशन हो जाता है। आप पहले वेट कर लें 5 से 10 मिनट, उसके बाद अगर आइस जाती है तब तो ठीक है, नहीं जाती है फिर मैं बताऊँगा उसमें क्या रीज़न रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एसी ऑन करना है। एसी ऑन करने के बाद अगर आपको 10 मिनट तक वहाँ पे 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है, अगर वहाँ पे आइस नहीं जाती है तो फिर वहाँ पे सबसे पहले चेक करना आपकी जो रेफ्रिजरेंट होती है वो कम होती है, चाहे वो R22 हो, R410 हो या फिर R32 गैस हो, कोई भी गैस हो। अगर आपका एसी है और वहाँ पे जो कूलिंग कॉयल है उसमें पतले वाले पाइपों पर आइस आ रही है, फिर बहुत ज़्यादा आइस जम गई, बहुत ज़्यादा पर्थ जम गई, तो वहाँ पे क्या रीज़न रहते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो आपको रेफ्रिजरेंट जो होगी मतलब गैस जो होगी उसको चेक करना है कि कहीं ना कहीं लीक है, इसी वजह से वो वहाँ पे मतलब आइस आना स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारी गैस लीक होती है तब ये दिक्कत आती है कि आपका जो पतला वाला पाइप है वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है, इनडोर पर जो है आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है कि आपकी रेफ्रिजरेंट जो है वो कम होती है, तब ये दिक्कत आती है, आपके जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो रीज़न नंबर सेकंड, जो फर्स्ट है मैंने बता दिया आपको, रीज़न नंबर सेकंड चेक करना है अगर आपका जो है इंडोर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है, आइस जम रही है, तो आपको सेकंड जो रीज़न है वो आपका है ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर की अगर स्पीड लो हो गई बहुत ज़्यादा तब भी वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी और जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पर आइस आना स्टार्ट हो जाएगी, आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। और एक रीज़न और है, रीज़न नंबर थर्ड वो ये है कि आपका अगर एसी जो है बहुत ज़्यादा गंदा होगा, मतलब कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है आपका फिर भी आइस आना स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब एसी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदी होती है, डस्टी होती है, या ब्लोअर मोटर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है आपका, तो वहाँ पे क्या होता है जब फैन का फ्लो प्रॉपर तरीके से ऑट नहीं हुआ तो वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक रीज़न ये भी रहता है। तो आप ब्लोअर की स्पीड भी चेक कर लें कि ब्लोअर अगर आपका नॉन इन्वर्टर है तो उसका कैपेसिटर लगा होता है 2.5 UF का या फिर 2 UF का लगा होता है, तो वहाँ पर उसको अगर चेंज कर देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इन्वर्टर मॉडल है तो उसमें DC कैपेसिटर लगे होते हैं, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, आपको सर्विस अच्छे से करा लेना है। अगर सर्विस आपने अच्छे से नहीं कराई तो आप उसको देख लें कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी ये दिक्कत रहती है तो आपका कहीं ना कहीं सिस्टम चौक है, आपका कैपिलरी ट्यूब चौक है, या फिर ड्रायर चौक है, या फिर आपका जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पर जो है ऑयल आ जाता है पाइपों में, तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जो मतलब कूलिंग कॉइल है वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ आपको स्टेप स्टेप चेक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रीज़न नंबर फोर यही था कि आपका अगर सिस्टम जो है या फिर पाइप कहीं से पंच है तो आप उसको देख लें, A to Z जो भी है सब कुछ देख लें। उसके बाद एक चीज़ और भी होती है, जब हम पाइप पंच होता है तब भी वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप जब सोल्डिंग करते हैं उस समय क्या होता है, मटेरियल अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर पाइपों के अंदर चला जाता है फिर भी वहाँ पे चोकिंग की दिक्कत रहती है, सेम ये दिक्कत रहती है। और एक चीज़ इसमें और मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको ये भी नोट करना है, कभी कभी ऐसा होता है बारिश के दौरान क्या होता है, जब अंडरग्राउंड पाइप पड़ जाते हैं तो वहाँ पे टेप वगैरह इंसुलेशन हट जाती है, तो उसमें क्या होता है पाइपों में पानी वगैरह चला जाता है, उससे भी ये रीज़न होता है कि आपका बर्फ जो है मतलब जो कूलिंग कॉइल है कूलिंग कॉइल पर आइस आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब गैस का सर्कुलेशन होता है तो वहाँ पे जो पानी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, तो वो क्या होता है गैस के भाव को रोकता है और उसके बाद जो गैस होती है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं होती है, फिर वहाँ पे आइस आना स्टार्ट होती है। तो आप इसको भी नोट कर लें। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका जो PCB होती है वहाँ पर रिले लगी होती है, आप देख रहे हैं 12 DC वोल्ट पर ये रिले वर्क करती है, ये फिलहाल नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन है। अगर यहाँ पर आपने रिमोट से इसको ऑफ कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर रिले आपकी शॉर्ट होती है तो आपका इंडोर तो बंद हो जाता है बट आपका ऑल्टरनेट जो होता है वो कंटिन्यू चलता है, तो इस वजह से भी आपका जो कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है और पूरी पर्थ बिल्कुल यूँ समझें आप जो है
हिमालय बन जाता है, बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी अगर आपकी रिले शॉर्ट होती है, उस कंडीशन में आप रिमोट से ऑफ़ कर देते तब ये दिक्कत आती है। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है, रिमोट से आप ऑफ़ करते हैं, आपका ऑर्डर यूनिट कंटिन्यू चलता है, इंडोर ऑफ़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी रिले ख़राब होती है, रिले को आप रिप्लेस कराएं, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि रिले अंदर से शॉर्ट हो जाती है तब ये दिक्कत आती है। तो आप रिले को भी चेक कर लें। बाकी मैंने जो भी आपको स्टेप बाई स्टेप चेक मतलब बताएं, जो रीज़न आप स्टेप बाई स्टेप चेक करेंगे, उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे? अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ 8 के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।